हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कांस्टेंट वर्ड पे बेस्ड कुछ एक सेक्टर्स, काफी वेरिड सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स से रिलेटेड को आपको हर सेक्टर से एक एक स्टॉक्स मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कांस्टेंट में मैंने कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से सेक्टर्स रखे हैं मैं आपके सामने रख दूँ, तो आप देखेंगे तो इसमें केमिकल, ऑयल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल गैस, सुगर, टेक्सटाइल, एब्रेसिव्स, नॉन फेरस मेटल एंड टायर। तो ये 8 सेक्टर्स में आपको 8 स्टॉक्स मिलेंगे। डाइवर्सिफाई आप एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं और आप इन सेक्टर्स में अगर कोई भी स्टॉक्स आपको पसंद आए आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख भी सकते हैं। सारे के सारे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स हैं, बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइड। आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन कंपनी, मिड कैप की कंपनी और 40% की ROCE है इस कंपनी की, बहुत ही जबरदस्त। फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 फाइन केमिकल्स भी बना रही है, स्पेशलिटी केमिकल्स भी कंपनी जो है बना रही है। 80% मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्रेट का। दासदा की बात करेंगे 60% एंड ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की बात करेंगे तो 75% का इनका जो है एक मार्केट शेयर है। और कंपनी जिस तरीके से एसीटोन एंड फ्लोन का जो इन्होंने जो प्लांट बनाया है, लगाया है, उससे एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। आगे भी ये डिमांड जनरेट करते हुए दिखेंगे, काफी और केमिकल्स जो है नेचुरल कंपनी जो है बनाती हुई दिखेगी। रिड्यूस कर रहे हैं अपनी डेप्ट को। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की तरफ से। प्रमोटर्स की बात करें तो एक अच्छी खासी दमदार होल्डिंग मौजूद है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। FIRDI के पास में भी एक होल्डिंग जो है एक अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर से रिलायंस इंडस्ट्री को रखा है। लार्ज कैप कंपनी, 9% की ROCE, जिस तरीके से कंपनी जो जियो में काम कर रही है और साथ के साथ आगे रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक अच्छा खासा एक्सपेंशन करती हुई दिखेगी, तो एक बढ़िया काम इस शेयर से भी आता हुआ दिखेगा। 10 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की, रिड्यूस कर रही है अपने डेप्ट को एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही परफॉर्मेंस बढ़िया आई है इसकी। एंड प्रमोटर्स की बात करें तो एक अच्छी खासी जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है, प्रमोटर्स अपनी स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, FIRDI के पास में भी होल्डिंग जो है एक अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नेचुरल गैस सेक्टर से, तो गुजरात गैस को मैंने लिया है। लार्ज कैप कंपनी है, ROCE देखेंगे तो 34% की ROCE है इस कंपनी की, 2 की फेस वैल्यू है। गैस सेक्टर में अच्छा खासा काम कर रही है कंपनी, रिड्यूस कर रही है अपनी डेप्ट को। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी बढ़िया आई है एंड ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी जो है एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, FIRDI के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो सुगर सेक्टर से मैंने लिया है, सुगर सेक्टर से धामपुर सुगर को हमने चूज किया है। ये आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी, 14% की ROCE इस कंपनी की। एथेनॉल जो जिस तरीके से गवर्नमेंट का एक फोकस आ रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे, तो ये कंपनी जो है एक अच्छा खासा एथेनॉल जो है ये ब्लेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये कंपनी भी एक अच्छा खासा जबरदस्त आगे परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। 10 की फेस वैल्यू इस कंपनी की, रिड्यूस कर रही है अपनी डेप्ट को। नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड आ रही है इस कंपनी से देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स के पास, FIRDI के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जिसमें मैंने KPR मिल को रखा है। KPR मिल सुगर इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कंपनी जो है काम कर रही है। देखेंगे मिड स्मॉल कैप कंपनी ऑफ 26% की ROCE इस कंपनी की, 5 की फेस वैल्यू है, रिड्यूस कर रही है अपनी डेप्ट को। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही अच्छे तरीके से इसकी जो है परफॉर्मेंस देखने को मिली है और आगे भी कंपनी जो है एक परफॉर्मेंस अपनी सुधारती हुई दिखेगी। प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी सॉलिड होल्डिंग मौजूद है, FIRDI के पास में भी होल्डिंग जो है एक अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एब्रेसिव से सेक्टर से, ग्रिंडवेल नॉर्टन को मैंने रखा है, स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी एंड ROCE देखेंगे तो आप इसके पास भी कंपनी के पास में 24% की ROCE है इस कंपनी की। फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 की फेस वैल्यू, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड है, ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस जो है कंपनी की बहुत ही सॉलिड आती हुई दिखी है। और साथ के साथ प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, FIRDI के पास में भी होल्डिंग जो है एक अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नॉन फेरस मेटल से वेदांता को मैंने रखा है, लार्ज कैप कंपनी है, ROCE देखेंगे तो 22% की कंपनी की ROCE है एंड आप बात करें तो 1 की फेस वैल्यू है इस शेयर की एंड देखेंगे तो रिड्यूस कर रही है अपनी डेप्ट को।
और प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है, ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है अच्छी आनी दिखी है इस कंपनी से। प्रमोटर्स के पास में, FIRDI के पास में एक अच्छी खासी जो है होल्डिंग मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टायर सेक्टर से, जिसमें मैंने बालक्रेस इंडस्ट्री को रखा है। अब ये कंपनी मार्केट कैप में अपना लीडर बन गई है इंडस्ट्री की, और इनके पास में जिस तरीके से कार्बन ब्लैक के जो इन्होंने जो प्लांट लगाए हैं इन हाउस, अपना जो ये अपना जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस जो कर रहे हैं, उससे कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। अपनी मार्जिन को ये सुधारते हुए दिखेंगे। लार्ज कैप कंपनी ROCE देखेंगे तो 24% की, 2 की फेस वैल्यू इस कंपनी की एंड शेयर की। क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो वो भी बहुत सॉलिड आई है, शेयर से देखने को मिली है। एंड आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर भी बहुत ही सॉलिड, आप देखेंगे अब तो 4 डिजिट में आ गया है इसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी, 4 डिजिट में पहुंच चुकी है 3rd डिजिट से। एंड शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में एक सस्टेनेबल होल्डिंग मौजूद है, FIRDI के पास में भी एक जबरदस्त होल्डिंग जो है मौजूद है। तो ये सेक्टर्स से केमिकल, ऑयल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल गैस, सुगर, टेक्सटाइल, एब्रेसिव्स, नॉन फेरस एंड टायर से मैंने आपके सामने ये स्टॉक्स रखे हैं। आप या तो एक पोर्टफोलियो अलग से बना सकते हैं इन स्टॉक्स का, तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाएगा, नहीं तो आप इनमें से कोई भी स्टॉक्स चूज करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगे आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इनमें से किसी शेयर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और साथ ही साथ शेयर करें हमारे वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और जिन लोगों को आप शेयर कर सकें उनको आप शेयर भी जरूर करें, और अपना एक बार जरूर एनालिसिस करें उसके बाद ही शेयर को बाय करें। थैंक यू।